हेलो स्टूडेंट्स हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो किंगडम स्टार्ट करी हुई है वो है किंगडम मोनेरा राइट right? तो हमने मोनेरा बोला था कि दिस इज़ द किंगडम ऑफ प्रो तो आज हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया के बारे में उस दिन हमने अपनी वीडियो में सारे के सारे जर्नल फीचर्स ऑफ प्रोक्रियाड्स डिस्कस कर लिए थे जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है जर्नल डिस्कशन अबाउट द बैक्टीरिया स्टूडेंट्स जो टर्म बैक्टीरिया है बैक्टीरिया वर्ड कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड इट्स कम फ्रॉम इट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड दैट ग्रीक वर्ड इज़ एक्चुअली बैक्टीरियॉन राइट इट इज़ बैक्टीरियॉन And bacterion means a small stick. So what it means? It means a small stick, a choti rod, choti stick, right? Or we know that R.H. whitaker Viteco has placed bacteria.

अबाउट थर्टी फाइव हंड्रेड मिलियन ईयर्स एगो ये ओरिजिन हुआ था राइट इसकी ओरिजिनेशन हुई थी अबाउट थर्टी फाइव हंड्रेड मिलियन ईयर्स एगो दिस इज सो मच बहुत पहले की बात है राइट द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज़ नोन एज बेक्टीरियोलॉजी सो स्टूडेंट्स बेक्टीरियोलॉजी is the term used for the study of bacteria right so, so for the study of bacteria we use the term bacteriology and you know uh, U bacteria was discovered by scientist anthony van leeuwenhoek in the year 1675 discovery

Right, so he called them as animalcules. Clear? So bacteria was discovered by Antony von Leeuwenhoek. Or the bacteria term, the term bacteria was coined by two scientists, Cohen and Ehrenberg. Cohen and Ehrenberg. These two scientists, they have coined the term bacteria, right? So the term coinage by two scientists, Cohen and Ehrenberg, right? और एक चीज हम यहाँ पे और डिस्कस करेंगे, जो बैक्टीरिया uh, है, uh, uh, that was actually वॉज डिस्कवर्ड बाई दीज बट लुइस पासचो ही प्रपोज जर्म थ्योरी और उसने बैक्टीरिया को जर्म कहा था लुइस पास्व टर्म्ड जर्म फॉर बैक्टीरिया राइट स्टूडेंट्स ओके और जो एक साइंटिस्ट था कोच बेसिकली इसको हम रॉबर्ट कोच कहते हैं रॉबर्ट कोच वाज़ अ साइंटिस्ट वाज़ अ फर्स्ट साइंटिस्ट हु हुटेन द प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। बेटा कल्चर क्या होता है मतलब हम उसको लैब में मल्टीप्लाई करवा के देख सकें तो उसका कल्चर प्योर कल्चर वाज गॉट बाय कोच सो कल्चर वॉज ऑबटेन्ड बाम एंड यू नो ही गॉट नॉबल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑल्सो उसने बड़े सारी बैक्टीरिया की और डिस्कवरी करी थी लाइक कॉले कॉजिंग बैक्टीरिया राइट कॉलरा कौन कॉज करता है बैक्टीरिया विब्रियो कॉलरे ये हम आगे पढ़ेंगे अभी एंथ्रेक्स कौन कॉज करता है बेसिलस एंथ्रासिस कॉज करता है बैक्टीरिया राइट तो ये हम करने वाले हैं आगे तो उसको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था ये कोच ने और भी चीज़ें काफ़ी और बैक्टीरिया भी डिस्क्र डिस्कवर करे थे अब हम बात करेंगे इसकी अक्रेंस की बेटा अक्रेंस मतलब कहाँ कहाँ मिलता है हमें बैक्टीरिया राइट right? तो बैक्टीरिया हमें कहाँ कहाँ मिलता है बैक्टीरिया की आकरण बेटा है इसका मतलब क्या होता है यूबिक्यूटस का मतलब होता है दैट इज प्रेजेंट एवरी इट इज यूबी क्यूटस का मतलब होता है दैट इज प्रेजेंट एवरी हर जगह हर जगह ये मिल जाता है हमें एवरी राइट right? चाहे वो सॉइल हो चाहे वाटर हो चाहे स्किन हो चाहे गट हो चाहे ओशियंस हो, चाहे वॉल कैनोज हों ये तो बेटा एक्सट्रीम्स ऑफ इन्वायरमेंट को भी टॉलेट कर लेते हैं जैसे कि स्प्रिंग को हॉट वाटर स्प्रिंग्स होते हैं गर्म पानी के चश्मे फ्रोजन वाटर डेजर्ट्स एसिडिक एल्कलाइन एंड सॉल्टिश कंडीशन सब को कर सकते हैं सो इट इज़ यूबीक्यूट फाउंड इन वेयर इट इज़ फाउंड इन सॉयल in water in skin in the gut but a gut is the alimentary canal gut oceans volcanoes right and they can even tolerate extremes of condition they can tolerate but extremes matlab हद पूरी एक्सट्रीम कंडीशन मतलब ये बुरी से बुरी कंडीशन में भी रह सकते हैं लाइक कोई हॉट वाटर स्प्रिंग है बहुत ज़्यादा फ्रोजन कंडीशन है राइट तो ये भी रह सकते हैं उसमें सो दे कैन टॉलरेट एक्सट्रीम्स ऑफ कंडीशंस लाइक लाइक हॉट वाटर स्प्रिंग्स इन द डेजर्ट्स इन फ्रोजन वाटर्स इन एसिडिक कॉमा एल्कलाइन एंड इवन सॉल्टिश कंडीशंस में भी ये काफी अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं क्लियर तो ये हम डिस्कस कर रहे थे इसकी अभी अक्रेंस की अब हम बात करेंगे कि इसके साइज़ की बात करेंगे कि इसका मोस्टली साइज जो होता है वो क्या होता है सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन है और बड़ा बैक्टीरिया कौन है राइट right? तो हम बात करेंगे अब इसके साइज़ की सो नेक्स्ट इज अ साइज ऑफ यू बैक्टीरिया क्लियर यू बैक्टीरिया का साइज तो जो मोस्टली बैक्टीरिया होते हैं ना बेटा मोस्टली मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो इनका एवरेज साइज होता है वो होता है इन बिटवीन जो इनका साइज होता है दैट इज बिटवी वन टू फाइव माइक्रोमीटर्स राइट तो जो बैक्टीरिया होते हैं मोस्टली वन टू फाइव माइक्रोमीटर्स के बीच बीच में ही होते हैं मोस्टली की बात कर रही हूँ मैं बट एक्सेप्शन नहीं आ रही इसमें जो एवरेज साइज होता है ना बैक्टीरिया का

जो उसका साइज है दैट इज जीरो पॉइंट वन टू जीरो पॉइंट टू माइक्रोमीटर्स बहुत ही छोटा और जो सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है दैट इज इट्स नेम इज डायलिस्टर न्यूमोसिंथिस बेटा जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं ना उनको हम सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं देखो मैंने अंडरलाइन करा है जब हम हैंड से लिखते हैं ना उनको तो हम सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस जो फर्स्ट लेटर जो सॉरी जो फर्स्ट वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर देखो मैंने कैपिटल में लिखा है और जो स्पीशीज़ है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो मैंने स्मॉल में लिखा है राइट तो डायलिस्टर न्यूमोसेंथिस इज अ स्मॉलेस्ट यू बैक्टीरिया राइट एंड द लार्जेस्ट लार्जेस्ट नॉन फोटोसिंथेटिक लार्जेस्ट नॉन फोटोसिंथेटिक मतलब जो फोटोसिथिस नहीं करता बट बड़ सबसे बड़ा है लार्जेस्ट नॉन फोटोसिंथेटिक यू बैक्टीरिया जो है उसका नेम है ईप्यूलोपिकम e. फिशलसोनी और जो इसका साइज है वो है सिक्स हंड्रेड माइक्रोमीटर्स लॉन्ग एंड एटी माइक्रोमीटर्स ये वाइड होता है सिक्स हंड्रेड माइक्रोमीटर्स लॉन्ग एंड एटी माइक्रोमीटर्स ये क्या है वाइड है राइट right? और एक मेरीन बैक्टीरिया है राइट right? लार्जेस्ट मेरीन बैक्टीरिया इज़ थायोमार्गरेटा थायो मार गर्विटा रैम बाईंज रैमिंग आर ए एम आई बी आई ई एन एस आई एस रैमी बायस उसका जो साइज़ है वो है सेवन फिफ्टी माइक्रोमीटर्स बेटा ये मेरीन बैक्टीरियम है लार्जेस्ट वो क्या था लार्जेस्ट नॉन फोटोसिंथेटिक बहुत सारी और एग्जांपल्स भी हैं लाइक लार्जेस्ट फिलामेंटस बैक्टीरिया बेगिया हुआ है राइट right? तो ये था साइज के बारे में डिस्कशन अब हम बात करेंगे इसकी शेप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक द शेप ऑफ द बैक्टीरिया नेक्स्ट इज द शेप राइट शेप ऑफ यू बैक्टीरिया बेटा वैसे अगर मैं बताऊं इसके जनरल हम जो शेप्स हैं वो सेवन बेसिक शेप्स मानकर चलते हैं तो वो कौन कौन सी शेप्स हैं कोकस शेप होती है एक राइट right? एक है बेसिलस शेप थर्ड वन इज स्पायरुलम Spirulum Fourth one is comma shaped. Next one is stalked. Another is budding. Budding. कितनी होगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड द लास्ट वन इज प्लियो मॉरफिक प्लियो मॉर्फिक राइट तो अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके तो जो सबसे पहले हम शेप डिस्कस करेंगे वो करेंगे कोकस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोकस इज बेरी शेप्ड बेरी की तरह यानी कि ये क्या होगा सफेरिकल क्लियर सो कोकस इज बेसिकली सफेरिकल मोस्ट ये रेजिस्टेंट होता है और छोटा होता है स्मॉलेस्ट एंड हाईली रेजिस्टेंट इस पर कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है बेसिकली सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट कौन सा है हाईली रेजिस्टेंट है कोकस क्लियर तो अगर मैं इसकी बताऊँ सी कोकस जो है ना आगे सी मोनोकोकस डिप्लोकोकस टेट्राकोकस स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस

दो में सी डिप्लोकोकस टेट्राकोकस मतलब इन फोर्स और इन टेट्राड्स लाइक दिस राइट स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है इन चेन्स किसमें होगा इन चेन्स लाइक दिस सी स्टेप्टोकोकर्स और स्टेफाइलोकोकस कैसे होता है ग्रेप लाइक -like. ग्रेप्स की तरह बंच की तरह गुच्छे की तरह ग्रेप्स के राइट यानी कि इन क्लस्टर्स सी स्टेफाइलोकोकस मैं यहां पे ड्रॉ कर रही हूं लाइक दिस स्टेफाइलोकोकस क्लियर नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज सारसीना राइट right? सारसीना जो होती है दैट इज अ थ्री डिमेंशनल थ्री डी ज्योमेट्रिकल शेप होती है सो दिस थ्री डी ज्योमेट्रिकल शेप इसकी स्ट्रक्चर में यहां ड्रॉ कर रही हूं यहां किसकी सारसीना की राइट right? तो इसकी स्ट्रक्चर वुड बी लाइक दिस थ्री डी राइट तो जैसे ये फोर ये पीछे है फोर सार स्टूडेंट्स देखो तो जो शेप है पहली बैरी शेप्ड उसकी आगे टाइप्स मोनोकोकस डिप्लोकोकस टेट्राकोकस स्ट्रेप्टोकोकस टेफाइलोकोकस एंड सारसीना तो अब मैं एग्जाम्पल्स की बात करूंगी मोनोकोकस की जो एग्जाम्पल है दैट इज माइक्रोकोकस रोजियस एग्जाम्पल्स मैं ब्लू से लिख रही हूं यहां पे माइक्रोकोकस रोजियस राइट डिप्लोकोकस की एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस न्यूमोनिया डिप्लो कोकस इसकी एग्जाम्पल यही है टेट्रा कोकस की जो एग्जाम्पल है वो है माइक्रोकोकस ल्यूटियस माइक्रो कोकस ल्यूटियस जो स्टेफाइलोकोकस की एग्जाम सॉरी जो स्टेप्टोकोकस की एग्जाम्पल है वो है स्टेप्टोकोकस लैक्टिस इसकी एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर लिख रही हूं यहां पे स्ट्रेप्टो कोकस लैक्टिस राइट right? जो स्टेफाइलोकोकस की हमारे पास एग्जाम्पल है वो है स्टेफाइलोकोकस एल्वस मैं यहां पे लिख रही हूं इसकी एग्जाम्पल एलवर्स राइट और हमारे पास हम जो सारसीना है उसको सारसीना ही कहेंगे या सारसीना ल्यूटिया इसकी एग्जाम्पल सारसीना ल्यूटिया राइट right?

फर्स्ट है डिप्लो बेसिलस देन है पैलीसेड देन है स्ट्रेप्टो बेसिलस तो स्टूडेंट्स डिप्लो मतलब क्या था पहले भी ने बताया इन टूज लेकिन यहां पे शेप क्या होएगी बेटा यहाँ पे जो शेप होगी वो कौन सी होगी रॉड लाइक -like. तो जो बेसिलस होता है वैसे वो इस तरह की शेप होती है तो इन टूज है तो वो इस तरह से इन टूज राइट और जो पहली सेड होता है वो क्या होता है इन स्टैक स्टैक क्या होता है वन अबव द अदर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक राइट सो इन स्टैक क्लियर इन स्टैक सी है ये क्लियर इन स्टैक लाइक दिस सी वन अबब द अदर एंड थर्ड वन इज स्ट्रेप्टो स्ट्रेप्टो याद है पीछे क्या था चेन लाइक तो सी इन चेन्स राइट क्लियर तो ये तीन शेप्स थी इसकी आगे और मतलब बेसिलस की आगे टाइप्स थी डिप्लो बेसिलस एंड स्ट्रेप्टोबेसिलस बेसिलस क्लियर तो इनकी अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो पैलीसेड की एग्जांपल है कॉरिने बैक्टीरियम कॉरिने बैक्टीरियम डाइप कॉरिने बैक्टीरियम डाइपथीरिए बेटा ये डाइपथीरिया कॉज करता है डिजीज राइट स्ट्रेप्टो की एग्जाम्पल है ये इसकी एग्जाम्पल है बेसिलस एंथ्रासिस बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था अभी इसकी ही वीडियो की स्टार्टिंग में दिस कॉज इज एंथ्रैक्स एंड दिस इज इसकी एग्जाम्पल डिप्लो बेसिले राइट तो ये थी हमारे पास बेसिलस की आगे सब टाइप